अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीख कबाब बनाने की रेसिपी, वो भी किसी बिना स्क्यूअर्स के। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया था और उसको मैंने एक छन्नी में रख दिया है ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। उसके बाद अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। 4 टीस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। 3 और पपीते को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें 2.5 चम्मच नमक डालेंगे और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। और इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप मैंने बेसन लिया है, इसको मैंने रोस्ट कर लिया था। और ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने लाइट ब्राउन फ्राई कर लिया था और उसके बाद मैंने उसका पेस्ट बना लिया है। तो अब मैं ये बेसन और प्याज का पेस्ट दोनों इस कीमे में ऐड कर दूंगी। डेढ़ छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। और 1 छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था, जो हमने अभी पेस्ट बना के प्याज का डाला है, वो वाली प्याज हमने इसमें फ्राई की थी, वो 1 कप तेल भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट तक हमें इस कीमे को मिक्स करना है। जितना हम अच्छे से इस कीमे को मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे से हमारे कबाब बाइंड होंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई प्याज का पेस्ट डाल देंगे और उसे भी इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें बारबेक्यू स्मोक देंगे। तो उसके लिए हम इसमें 1 पान का पत्ता लगाएंगे। ये मैंने देखिए पान का पत्ता इस कीमे के ऊपर रख दिया है। इस पान के पत्ते के ऊपर हम जलता हुआ कोयला रखेंगे और उसके ऊपर हम देसी घी डाल देंगे। उसके बाद हम इसे 1 प्लेट से कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखते हैं। तो देखिए अब हम इस कोयले को और पान को इस कीमे के ऊपर से हटा देंगे। हम इस कीमे को फिर से 30 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 30 मिनट के बाद हम एक तवे को गैस पर रखेंगे, फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और उसमें 2 टीस्पून हम ऑयल डालेंगे और पूरे तवे पे इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद हम अपने हाथ पर थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे और इस कीमे में से हम थोड़ा सा कीमे का पोषण लेंगे और उसे हम हाथ में दबाकर इस तरह से बाइंड करेंगे। और इस तरह से दबा दबा कर हम सीख का शेप दे लेंगे। देखिए बिना स्क्यूअर्स के मैंने सीख तैयार की है, इसमें कोई भी मैंने स्क्यूअर्स नहीं लगाई है। और अब हम इसको तवे पर डाल देंगे। इसी तरह से हम एक एक करके सीख कबाब बनाते जाएंगे और इस तवे पर सभी सीख कबाबों को ड्रॉप कर देंगे और इसकी हम सभी साइडों को अच्छी तरह से सेक लेंगे। इस तरह से हम इसकी साइडों को चेंज करते हुए सेकेंगे। तो देखिए ये एक साइड सेक चुके हैं, अब मैं दूसरी साइड इनको सेक रही हूँ। इसी तरह से हम सब तरफ से इसको सेक लेंगे। और अब ये हमारे सीख कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको प्लेट आउट करेंगे। इन सीख कबाबों को हम प्याज नींबू और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे।
तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, हो सके तो कमेंट भी करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।